morning class. Today we are going to start with practice set 1.3 question. Practice set 1.3 question number 3, which we are to solve with the help of Cramer's rule. Okay. अब इस Cramer's rule में हम already question number 1 और 2 solve कर चुके हैं और हम third question solve करेंगे. हमारे पास equations क्या हैं देखिए. First equation हमारे पास है. Okay. ये third read है आपकी. x plus 2y is equals to minus 1. ये आपका first equation है. Okay, इसे आप equation 1 बोल दीजिए. And second equation आपके पास है 2x minus 3y is equals to 12. ये आपका second equation है. अब हम इसको Cramer's rule के साथ solve करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर d की value find करेंगे, determinant. अब डिटरमिनेंट के लिए हम इसके कोएफिशिएंट्स लेने पड़ेंगे 1, 2 एंड माइनस 3. अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 × −3 −2 × 2. ओके, तो फर्दर क्या आएगा आपके पास, 1 × −3 −3 आएगा, 2 × 2 = −4 आएगा. तो डिटरमिनेंट हमारे पास −7 आता है. सो डी की वैल्यू हमारे पास −7 आ रही है. ओके, अब हम डी एक्स फाइंड करेंगे. अब हम डी एक्स फाइंड करेंगे. तो डी एक्स के लिए हमें कोएफिशिएंट्स लेने हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास −1 है और 12 है. तो हम क्या करेंगे, डी एक्स फाइंड करना है तो एक्स के कोएफिशिएंट की जगह पर −1 और 12 रखेंगे. यहाँ पर हमारे पास 2 और −3 आएगा. अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, −1 × −3 और यहाँ पर आएगा आपके पास −2 × 12. तो ये आएगा आपके पास −3, 1 × 3, ये आपके पास 3 आएगा. और यहां पर देखिए −2 × 12, ये आपके पास आएगा −24. अब देखिए 3 एंड −24, ये −21 हो जाएगा. ओके, सो dx −21 आएगा. ओके, अब यहां पर देखिए dy. ओके, इसकी वैल्यू के लिए आपको y की जगह पर −1 और 12 पुट करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर 1 और 2 आएगा आपके पास, 1 और 2. यहाँ पर 2 और −3 की जगह पर −1 और 12 आएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 1 × 12 ये, और यहाँ पर −1 × 2 आएगा आपके पास. ठीक है, 1 × 12 = 12 आता है. और यहाँ पर देखिए −1 × 2 ये −2 आएगा और ये +2 बनेगा. तो दिस विल बिकम −14. ओके, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू के लिए आपको यहां पर x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन d करना पड़ेगा. तो dx की वैल्यू आपके पास कितनी है, dx की वैल्यू −21 है और d की वैल्यू आपके पास −7 है. तो −7 से ये कैंसिल हो जाएगा. आपके पास x की वैल्यू 7 है, 3 है, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आएगी. तो वैल्यू ऑफ x की तो 3. अब y की वैल्यू जो है आपको मिलेगी dy अपॉन d. ओके, dy की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो तो 14 है और d की वैल्यू आपके पास −7 है. तो ये बनेगा आपके पास −2. तो y की वैल्यू आपके पास −2 आएगी. ओके, सो y की वैल्यू −2 है, x की वैल्यू 3 है. तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, इनिशियली हमने d की वैल्यू फाइंड की है, फिर dx, फिर dy और फिर बाकी सब आपके सामने है. ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व. अब चलेगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आगे बढ़ते हैं. विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी बीट नंबर 4 में क्या है हमारा, देखिए 6x - 4y is equals to −12. ओके, हमारे पास इक्वेशन क्या है उसको रिराइट कर लीजिए एक बार. ओके, जो इक्वेशन है उसको नोट डाउन करेंगे. वी हैव 4th one में हमारे पास इक्वेशन क्या है, 6x - 4y is equals to −12. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 8x - 3y is equals to −2. ठीक है, अब हम सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे. d की वैल्यू के लिए
हम क्या करेंगे, 6, 8, -4 और -3 को लेंगे। अब यहां पर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 × -3 और यहां पर -4 × 8 होगा, ठीक है। 6 × -3 -18 होता है। अब देखिए -(-) विल बिकम प्लस, सो 4 × 8 = 32 और +32 हो जाएगा, ठीक है। +32 और 18 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 14 आ जाएगा। तो आपके पास जो d की वैल्यू है वो 14 होगी, d की वैल्यू आपके पास 14 हो जाएगी। फिर देखिए आपके पास dx, ओके, dx में देखिए आपके पास dx में क्या हो जाएगा, dx के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 और 8 की जगह पर -12 और -2 लेना पड़ेगा, -12 एंड -2। और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम एक काम करेंगे, जो -4 और -3 उनको एज इट इज लिखेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -12 × -3 करेंगे। तो देखिए -12 × -3 आएगा, यहां पर ये माइनस साइन और फिर ब्रैकेट में -4 × -2 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या आता है आपके पास, -12 × -3 ये आपके पास +36 आएगा, ये माइनस एज इट इज, -4 × -2 तो ये +8 होगा। अब देखिए 36 और -8 में किया तो आपके पास 28 आ जाएगा, तो ये आपकी dx की वैल्यू है, dx की वैल्यू 28 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको dy की वैल्यू फाइंड करनी है, dy की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो y की जगह पर हम 12 और -2 रखेंगे, ये आएगा 6, 8, -12 और ये -2 आएगा, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, 6 × -2 तो ये -12 बनेगा, और यहां पर देखिए माइनस साइन है, -12 × -12 × 8 करेंगे हम, ओके। तो आपके पास क्या आएगा, देखो -12 है और ये माइनस साइन है, -12 × -96 होगा, तो यहां पर बनेगा -12 + 96, तो इसको क्या माइनस करने के बाद हमारे पास 84 आएगा, तो dy की वैल्यू आपके पास 84 आ गई, ठीक है। dy की वैल्यू आपके पास 84 आ गई। आप देखो x की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, dx/d मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली हम यहां पर लिखते हैं dx की वैल्यू कितनी हमारे पास, 28 है, और d की वैल्यू 14 है हमारे पास, तो x की वैल्यू 14 × 1 = 2 होता है, तो 2 आ जाएगी। फिर y की वैल्यू dy/d आएगी, तो dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू 84 है, और d की वैल्यू कितनी मिली है हमें, d की वैल्यू 14 मिली है। तो देखो 84 और 14 को डिवाइड करना है, 14 6 को डिवाइड करना है, तो 14 6 आता है, तो y की वैल्यू आपको 6 मिलेगी, तो y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2। इस तरह से आपका फाइनल सॉल्यूशन है, पहले हमने d को फाइंड किया, ओके, फिर उसके बाद dx को फाइंड किया, फिर हमने dy को फाइंड किया, फिर हमारे पास फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx/d, तो dx की वैल्यू हमें 28 मिली थी, d की वैल्यू हमें 14 मिली थी, तो 28 को 14 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू 2 मिली है, फिर dy की वैल्यू हमें 84 मिली थी और d की वैल्यू हमें 14 मिली थी, तो 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा फोर्थ बिट भी हो गया। नाउ वी स्टार्ट विद द फिफ्थ बिट, ओके, फिफ्थ बिट के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फिफ्थ बिट में आपके पास क्या है, आपके पास है फिफ्थ बिट में 4m + 6n = 64, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 3m + 2n = 28, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल b कैलकुलेट में वैल्यू ऑफ b, ओके। अब देखिए b की वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के कोएफिशिएंट्स लेने हैं, 4, 3, 6 और 2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 × 2 = 4, 2 = देन -6 × 3 करना, 4 × 2 = 8, 6 × 3 = 18, तो -10 आएगा, d की वैल्यू -10, ठीक है, d की वैल्यू -10 मिलेगी।
अब डी एक्स, ओके अब डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड करनी है। अब डी एक्स की वैल्यू के लिए इस 4 और 3 की जगह पर 64 और 28 लिख जाएंगे, 64 और 28 और यहाँ पर भी आपका 6 और 2 है, ठीक है। अभी इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ये आएगा आपके पास 6 इंटू 28। अब देखो 64 टू का 128 आता है माइनस, अब यहां पर देखिए 28 5 140 आएगा और अगर 6 करेंगे तो हमारे पास 168 आएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास -40 आएगा, ओके वी विल बी गेटिंग -40। तो यहां पर dx की वैल्यू हमें -40 मिली है, ठीक है dx की वैल्यू -40 है। अब देखिए dy की वैल्यू, dy की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर dy की वैल्यू के लिए अब y के जगह पर 64 और 28 जो एंड सॉरी हमें यहाँ पर ये एक्चुअली xy के टर्म में लिखा है मैंने, इसको हम m के टर्म में लिखेंगे, ये dm की वैल्यू है सॉरी और हम इसको dl लिखेंगे, ओके दिस विल बी dl। अब यहाँ पर देखिए फर्दर, अब यहाँ पर देखिए 4 है और 3 है m और n की वैल्यू और यहाँ पर n की वैल्यू की जगह पर 64 और 28 पुट करेंगे, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 428 का, ओके 28 इंटू 4 माइनस 64 3 का 64 इंटू 3 करेंगे। अब देखिए 28 4 का कितना आएगा, 28 4 का 112 आएगा, 112 माइनस 64 3 का 64 3 का कितना आता है 192 आएगा, 192 आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर अब 12 में से अगर 192 माइनस करेंगे तो हमारे पास -80 आ जाएगा, तो हमें जो dm की वैल्यू मिली है, dm की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -80। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो m की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे dm अपॉन d, ओके जैसे हम dx अपॉन d लिखते हैं उस तरह से dm अपॉन d लिखना है। अब dm की वैल्यू क्या है आपके पास -40 है और d की वैल्यू कितनी है -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 40 अपॉन 10 बचे, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आंसर एंड 10 4 है, तो m की वैल्यू आपके पास 4 आएगी, ओके वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 4। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा dn अपॉन d रहेगा, तो dn की वैल्यू कितनी है -80 है आपके पास और d की वैल्यू कितनी है आपके पास -10 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो आपके पास 80 अपॉन 10 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 8, n की वैल्यू 8 हो जाएगी और n की वैल्यू 4 है, तो 4,8 ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ वन था, दिस वॉज द फिफ्थ वन, ठीक है। अब हम सिक्स्थ वन स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन, फोर्थ वन भी फिनिश है और थर्ड वन, अच्छा फिफ्थ वन भी हो गया। अब हम सिक्स वन स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट विद द सिक्स वन, सिक्स वन में देखो तो क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 1 अपॉन y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ओके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख कर रखे हैं, ओके चले अब हम स्टार्ट करते हैं सिक्स वन। देखिए सिक्स वन में क्या है आपके पास, सिक्स वन में आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे x की d की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स 2
वन, इसका कोएफिशिएंट वन है, इसका कोएफिशिएंट टू है, इसका कोएफिशिएंट थ्री है और इसका कोएफिशिएंट माइनस वन अपॉन टू है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखो टू इंटू टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाय टू, ओके, और यहां पर माइनस थ्री इंटू वन करना पड़ेगा, थ्री इंटू वन। अब देखो टू से टू तो कैंसिल हुआ, कितना बचा आपके पास, माइनस वन बचा, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री आएगा। अब देखो माइनस वन माइनस थ्री ये आपके पास माइनस फोर बनेगा, तो डी की वैल्यू आपके पास माइनस फोर आएगा, ठीक है। अब फर्दर देखो आपको क्या फाइंड करना है, फर्दर जो नेक्स्ट फाइंड करना है आपको वो है डीएक्स, डीएक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डीएक्स की वैल्यू कैसे आएगा आपके पास, देखो तो डीएक्स की वैल्यू के लिए आपको यहां पर देखो, अब आपके पास डी आ चुका है, अब डी एक्स है, तो इस एक्स के कोएफिशिएंट की जगह पर टू और वन बाय टू लिखना पड़ेगा, टू एंड वन बाय टू, और यहां पर थ्री एंड माइनस वन बाय टू आएगा, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो क्या आएगा, टू इंटू माइनस वन बाय टू, ओके, और यहां पर माइनस, देखो थ्री इंटू माइनस वन बाय टू, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो कितना आता है आपके पास, अब देखो टू इंटू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन कितना, इसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास माइनस वन बचेगा, यहां पर क्या है, ये बनेगा आपके पास माइनस थ्री बाय टू, ठीक है, माइनस थ्री बाय टू, और यहां पर कुछ नहीं तो वन रहेगा आपके पास। अब टू और वन का एलसीएम वन आता है, टू आता है, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इस टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू बाय माइनस थ्री बनेगा और नीचे टू रहेगा, तो माइनस फाइव अपॉन टू, ये आपकी dx की वैल्यू, dx की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव। देखिए टू को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया माइनस टू बनेगा, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव बनेगा, माइनस फाइव बनेगा, ठीक है। अब देखो dy की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको इस y की जगह पर टू और ये माइनस वन बाय टू लिखना पड़ेगा, ओके, तो देखिए टू अपॉन वन आएगा, टू अपॉन वन तो एज इट इज आया, और यहां पर थ्री और माइनस वन बाय टू की जगह पर टू एंड वन बाय टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। देखो यहां टू इंटू वन बाय टू माइनस टू वन जा टू, अब देखो टू से टू कैंसिल, यहां पर वन बचा, टू वन जा टू आएगा, देखो माइनस ये बनेगा आपके पास माइनस वन, डी वाई की वैल्यू कितनी मिली आपको, माइनस वन मिली है, डी वाई की वैल्यू आपको माइनस वन मिली है, ओके, डी वाई की वैल्यू माइनस वन मिली है, चलेगा। अब हम यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे, अब हम एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स की वैल्यू बनेगी आपके पास डी एक्स अपॉन डी, ओके, अब डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव बाय टू, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर है आपके पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर अपॉन वन लिखेंगे, अब आपको पता है ये माइनस फाइव बाय टू है और इन दोनों का डिवीजन करना है माइनस फोर बाय वन का, तो डिवीजन यहां पर माइनस फोर बाय वन है, अब इनका डिवीजन होगा तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो माइनस फाइव बाय टू एज इट इज, तो रेसिप्रोकल में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन होता है, वन ऊपर चला जाएगा और फोर नीचे आएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है, वो माइनस साइन आपकी यहीं पर रहेगी, ओके, माइनस साइन जो हियर इट्स है, अब ये माइनस माइनस तो आपका कैंसिल होना है, तो आपके पास क्या बचेगा, फाइव बाय एट आएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी फाइव बाय एट बनेगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइव बाय एट आएगी, और वाई की वैल्यू देखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी होगा, तो डी वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर है, देखो माइनस फोर से माइनस वन कैंसिल, तो वन बाय फोर जो है वो वाई की वैल्यू बनेगी, तो वाई की वैल्यू वन बाय फोर और एक्स की वैल्यू फाइव बाई एट, इस तरह से आपका फाइनल सोल्यूशन, ओके। सो वी हैव फिनिश्ड विद क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3।